नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने पद्मश्री कमला पुजारी के निधन पर जताया दुख, हार्ट अटैक से हुआ था निधन। अमित शाह का बयान, चुनाव के बाद कांग्रेस में अहंकार, हार स्वीकार नहीं कर पा रहे राहुल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला, बुद्धि में विकृति आई है तो भोले बाबा को जल चढ़ाएं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान, इंडिया गठबंधन ने पैसे देने के नाम पर बनाया बेवकूफ। किसान को धमकाने के मामले में मनोरमा खड़ेकर की पुलिस कस्टडी, 2 दिन और बढ़ी। जवाहर पंडित हत्याकांड में पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समय पूर्व होगी रिहाई। राजा भैया की पत्नी के खिलाफ कंपनी के पूर्व निदेशक ने गंभीर धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, तीन आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। विभिन्न राज्यों के शिव भक्तों का आगमन शुरू, 160 लीटर तक जल लेकर गुजरे कांवड़िए। दीपावली और छठ की ट्रेनों में अभी से वेटिंग, यात्री परेशान। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।